नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी मौजूद हूँ रोहतास जिला के सासाराम के प्रसिद्ध शक्तिपीठ ताराचंडी धाम में। आप यहाँ देख सकते हैं कि आज चैत्र का पहला दिन है और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में काफ़ी खुशी की लहर है। दो साल कोरोना के बाद ये इस बार श्रद्धालुओं में काफ़ी खुशी की लहर देखी जा रही है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं थोड़ा सा कैमरा मैन से दिखाने की कोशिश करूंगा कि कुछ ही देर बाद यहां पर जयकारे लगाए जाएंगे और लोगों से मैं जानूंगा कि इस बार किस तरह से लोग चैत्र का नवरात्र मना रहे हैं। यहां पुजारी इस लोगों से मैं बात करूंगा कि किस तरह से इस बार की चैत्र का नवरात्र मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं में काफ़ी खुशी की लहर है। दो साल बाद इस बार इस ताराचंडी धाम का पट खोला गया है और काफ़ी भीड़ सी दिखी है। मैं इन लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, इस बार नवरात्र में कैसी तैयारियां चल रही हैं? माँ का दरबार है, दो साल के बाद खुला हुआ है जी। तो तैयारी जो है वो तो माने सजावट हो ही चुकी है, लोगों को आना है, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है। नवरात्र में जो पाठ चलता है वो हो रहा है, वो नौ गो होता है। जैसे कि साल में दो बार नवरात्र आता है, मुख्य दो ही जानता है लोग, लेकिन बाकी सात नवरात्र कोई नहीं जानता है। सात नवरात्र हमारे शास्त्रों में वर्णित है, नौ गो नवरात्र होता है साल में, है ना, लेकिन मुख्य जो है वो दो ही हम लोग मनाते हैं। चैत्र नवरात्र की विशेषताएं क्या क्या है? चैत्र नवरात्र, ये जो नवरात्र है ये असीम माँ की कृपा बरसती है, इसलिए कि इस नवरात्र में गर्मी बहुत अधिक होती है और व्रतधारी इसको व्रत जब करते हैं, वो उपासना करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है, इसलिए कि इसमें कठिन परिश्रम होता है। परिश्रम करने से ही फल की प्राप्ति होती है। जब तक मेहनत आदमी नहीं करेगा तो परिश्रम नहीं करेगा तो फल की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए इसमें ज़्यादा लोग में ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा भूख सताता है, इसलिए जो है इसमें फल फलाहार रह करके लोग कठिन परिश्रम करके इसमें फल की प्राप्ति ज़्यादा करते हैं चैत नवरात्र में। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम उदयगिरी है। आप देख, कहना है कि चैत्र नवरात्र होता है जो सबसे कठिन नवरात्रों में से ये होता है और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लोगों को, लेकिन चैत्र नवरात्र में काफ़ी श्रद्धांजलियों की खुशी की लहर है। घरों से लेकर मंदिरों तक घंटियों और शंखों की आवाज़ आती है और काफ़ी लोग खुश हैं। इस बार आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ के यहाँ जितने भी श्रद्धांजलु आ रहे हैं, अब माथा के मंदिर में माथा टेकते हैं और माँ ताराचंडी से आशीर्वाद लेते हैं। आपने सुना पुजारी जी ने बताया कि जो चैत्र का नवरात्र होता है जो सबसे कठिन माना जाता है, और करते हुए मैंने आपको बताया कि क्या क्या कठिनाइयों का सामना करता पड़ता है। इस समय जो गर्मी का मौसम की वजह से इस नवरात्र को बहुत काफ़ी लोग कठिन मानते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखने के लिए बने मीडिया दर्शन के साथ, मैं सोनू कुमार, धन्यवाद।